हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और 2020 में मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी गोल सेटिंग के ऊपर कि आपने सबसे पहले गोल सेट करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है जीवन में। बहुत सारे लोग गोल सेट करने के बाद मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, मल्टीटास्किंग के ऊपर ध्यान जा रहा है, जो गोल सेट करा है उसके ऊपर ध्यान नहीं जा पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जीवन एक बहुत बड़ा रंगमंच है, दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है। इस रंगमंच में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। कभी बीच में फेसबुक आएगा, कभी व्हाट्सएप आएगा, कभी इंस्टाग्राम आएगा, कभी टिकटॉक आएगा, कभी लाइकी आएगी। तो इन सारे रंगमंच से बाहर निकलने के लिए आज कुछ नया लिखते हैं, जीवन में कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हर आदमी मल्टीटास्किंग करना चाहता है। मल्टीटास्किंग हमें तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हम किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते हैं। आज एक नई कहानी आपके लिए, और वो कहानी एक व्यक्ति की है जो व्यक्ति किसी बादशाह के वहां पे काम करता था, और बादशाह के वहां पे काम करते करते उसने एक अजीब गुनाह कर दिया। जब उसने अजीब गुनाह किया तो बादशाह ने भी उसको अजीब सजा सुनाई। सजा में क्या था कि उसको ऑप्शन दो दिए गए, और फर्स्ट ऑप्शन उसको दिया कि तुझे 50 प्याज खाने हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि तुझे 50 कोड़े खाने हैं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो पूरी दुनिया कौन सा ऑप्शन चूज करेगी? प्याज। बिल्कुल, उसने भी वही चूज किया। तो वो व्यक्ति प्याज खाना स्टार्ट कर देता है। एक प्याज, दो प्याज, तीन प्याज, चार प्याज, पांच प्याज, छह प्याज, आठ प्याज, दस प्याज, बारह प्याज, बस कोड़े। अब कोड़े चालू हो जाते हैं। एक कोड़ा, दो कोड़े, तीन कोड़े, चार कोड़े, पांच, बस प्याज। एक प्याज, दो प्याज, तीन प्याज, चार प्याज, पांच में बस कोड़े। एक कोड़ा, दो कोड़े, तीन कोड़े, चार कोड़े, बस प्याज। और ऐसा करते करते 50 प्याज भी खा गया और 50 कोड़े भी खा गया। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं, उसके पास ऑप्शन थे, दो ऑप्शन थे, 50 प्याज ही खाया होता या 50 कोड़े ही खाए होते, क्या फर्क पड़ता? कभी प्याज कभी कोड़े, कभी प्याज कभी कोड़े। हम भी अपनी जिंदगी में जब मल्टीटास्किंग करते हैं, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, कभी एकेडमी में कभी बिजनेस में, कभी पैसे की तरफ अट्रैक्शन, कभी एजुकेशन की तरफ अट्रैक्शन। सबसे पहले जीवन में कामयाब होने के लिए हमें एक ही जगह पर ध्यान टिकाना पड़ेगा, एक ही जगह पर मास्टर बनना पड़ेगा। एक चीज में जिस दिन मास्टर बनोगे उसके बाद आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जब तक आपकी एक चीज में मास्टरी नहीं आती है, तब तक कभी भी जीवन में मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।